हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष शास्त्र में शुभ हल्दी का संबंध बृहस्पति देव से माना गया है। हल्दी भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाला एक आम मसाला है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। भारतीय ज्योतिष में ऐसा माना गया है कि नहाने के पानी में हल्दी मिलाने से सौभाग्य और समृद्धि आती है। माना जाता है कि हल्दी में शुद्धिकरण गुण होते हैं और वह शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। कुंडली में गुरु दोष को कम करने के लिए भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ चढ़ाना शुभ माना जाता है। ज्योतिष में भी हल्दी का महत्व माना जाता है। हल्दी धार्मिक ज्योतिष एवं आयुर्वेदिक की दृष्टि से अत्यंत ही लाभकारी मानी गई है। ये तमाम बाधाओं से आपको बचाते हुए आपके सौभाग्य को भी बढ़ाने वाली होती है। आइए जानते हैं गुरुवार को हल्दी से जुड़े उपाय के बारे में, जिनके करने से घर में पैसा आता है। यदि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे, ऐसे में आपको गुरुवार के दिन हल्दी से जुदा के उपाय करने से लाभ होता है। इसके लिए गुरुवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। इस उपाय से आपके सभी काम आसान हो जाएंगे और कार्य संबंधी बाधा भी दूर होगी। श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी दान करें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने रोजाना चुटकी भर हल्दी अर्पित करने से प्रेम संबंध की समस्या दूर हो जाती है। अगर काफ़ी समय से आपका धन अटका हुआ है तो गुरुवार के दिन थोड़ा चावल लें, उन्हें हल्दी से अच्छी तरह मिलाकर रंग लें, फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। इसके बाद कुछ ही दिनों में आपको आपका अपना अटका हुआ धन वापस मिल जाएगा। अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो हल्दी की एक गांठ मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसा करने से आपके बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। यदि आप व्यापारी हैं और आपको लगातार घाटा हो रहा है तो गुरुवार के दिन काली हल्दी और केसर में पानी मिलाकर अच्छे से घोल तैयार करके तिजोरी पर स्वास्तिक बनाएं और इसकी नियमित रूप से पूजा करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर होंगी और बिजनेस में उन्नति ही उन्नति प्राप्त होगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अधिक जानकारी के लिए इसे लाइक और शेयर करें। हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।